हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है 100 का ट्रेलर, जो कि एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसमें कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है। एक कंप्लीट पैकेज वेब सीरीज है दोस्तों ये। अब दोस्तों इसकी मेन लीड स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मेन लीड रोल निभाया है लारा दत्ता ने। इसके अलावा सेराड फेम, रिंकू राजगुरु भी इसमें है और उनका साथ दिया है करण वाही ने। अब दोस्तों स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ट्रेलर में बताया गया है कि कहानी की शुरुआत होती है रिंकू राजगुरु के किरदार से, जिसका नाम नेत्रा होता है। और वो एक टिपिकल सी नॉर्मल लड़की होती है जिसे एक नॉर्मल जीवन जीना पसंद है। और वो एक छोटे से ऑफिस में काम करती है और वो देश विदेश घूमने की चाह रखती है। लेकिन उसके इस सीधे साधे जीवन में मोड़ जब आता है जब उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 100 दिन हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। अब कहानी में एंट्री होती है लारा दत्ता की, जिन्होंने पुलिस कॉप का किरदार निभाया है। और वो मिलती है फिर नेत्रा से और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए अंडरकवर एजेंट बन जाओ तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब नेत्रा फैसला कर लेती है कि वो एक अंडरकवर एजेंट बनेगी और कई बड़े पॉलिटिशियन और बड़ी गैंग से ये सीधे चुनौती लेगी। अब लारा दत्ता और नेत्रा दोनों मिलकर क्या वो सब हासिल कर पाएंगे जो वो दोनों चाहते हैं, या उन दोनों की जिंदगी में और भी खतरनाक टर्न्स आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी इस वेब सीरीज में। तो दोस्तों ये वेब सीरीज आपको 25 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी हॉटस्टार पर। इसके अलावा दोस्तों ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। लारा दत्ता बहुत समय बाद हमें नजर आई है, बहुत समय से फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। और वही रिंकू राजगुरु भी सेराट के बाद अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती है। और वही दोस्तों करण वाही की बात करें तो करण वाही का किरदार अभी ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने नेत्रा के दोस्त का रोल निभाया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें परमेश सेठी भी नजर आएंगे, जो कि स्पेशल ऑप्स में नजर आए थे। उनका भी किरदार एक पुलिस वाले का है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे 9 एपिसोड में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों कितनी धमाकेदार होने वाली है ये वेब सीरीज, ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आपको मेरा ट्रेलर रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।